सीएम गहलोत जी से मिले तो एक मुतालबा हमारा ये भी है कि हमारे इलाके में हमारी जमीन होगी, हमारे पास पंचायतों में बहुत जमीन है, हमारे एक यूनिवर्सिटी की मांग को जरूर अमल में लाएं। ये मेरी खास दरखास्त है आपसे। अब मैं दावत दे रहा हूं
भाई इमरान प्रतापगढ़ी सांसद राज्यसभा चेयरमैन ऑल इंडियन कांग्रेस कमेटी माइनॉरिटी डिपार्टमेंट आप आए और अपने अल्फाजों से जो शख्स नजरे गदाए बैठे हैं इनकी नजरों का तारा बने भाई इमरान प्रतापगढ़ी, जोरदार तालियां एक बार इस्तेमाल के लिए। मौलाना राशिद साहब मोहतरम हमारे बुजुर्ग, मौलाना अरशद साहब, मौलाना अमजद साहब, मुफ्ती जाहिद साहब, ये तमाम वो बुजुर्ग हैं जिनसे मेरा रब्ता कोई 5-1 साल हो गया, 6 साल हो गया। जब मैं पहली बार इस दयार में हाजिर हुआ था, मैं किसी और प्रोग्राम के लिए मेवात आया था और मुझे वो शाम याद है कि देर हो चुकी थी, तो मेरे वालिद साहब का मुझे प्रतापगढ़ से फोन आया कि आप वहाँ गए हुए हैं, मेरे पास हमारे प्रतापगढ़ के कोई एक साथी हैं जो इस मदरसे में हजरत से जुड़े हुए हैं, तो उन्होंने मेरे वालिद साहब को फोन किया कि अगर मेवात आए हैं, भरतपुर के आसपास आए हैं, तो मीन खेड़ा मदरसे में एक बार जाना चाहिए। मेरी बदनसीबी यह थी कि मैं तब तक इस मदरसे से बिल्कुल वाकिफ नहीं था, मैं नहीं जानता था कि यहाँ कोई इस तरह का मदरसा है। बहुत देर हो चुकी थी, रात में मेरा ख्याल है कि मैं 11 बजे 11:30 बजे के आसपास आपके इस दयार में आया था पहली बार, और जब मैं पहली बार इस मदरसे में आया और इस मदरसे का निजाम देख करके, इस मदरसे के तलबा से मिल करके, मुझे ये महसूस हुआ कि ये वो दयार है जहां बार बार आना चाहिए। और उसके बाद मुझे याद है कि फिर 2018 शायद मैं एक बार फिर आपके बीच में आया और इस मिट्टी ने जो दुआएं दी उन दुआओं का सदका ये रहा कि इस बार आया हूं तो सांसद बन के आया हूं। मैं एक बार फिर से यहाँ जो जिम्मेदार लोग बैठे हैं, साजिद प्रधान साहब, अशोक जैन जी, मुबीन प्रधान साहब, राम खंडेलवाल जी, चौधरी अख्तर साहब, हाजी अल्ताफ साहब, सद्दाम साहब, हसीन साहब, हमारे माइनॉरिटी डिपार्टमेंट के राजस्थान के चेयरमैन आबिद कागजी साहब, हमारी माइनॉरिटी डिपार्टमेंट की नेशनल ऑफिस बियर रूबी खान साहिबा, इंसाफ आजाद साहब, दीना सरपंच जी, सरयू सरपंच जी, बास खान सरपंच जी, जमशेद सरपंच साहब, राहुल सरपंच जी, महमूद साहब जी, जमशेद जी, इन तमाम लोगों की मौजूदगी को सलाम करता हूं। बाकी जो दिल्ली से मेरे साथ माइनॉरिटी डिपार्टमेंट के साथी आए हैं, मेरे साथी आए हैं, उनका भी शुक्रिया अदा करूंगा कि रात कि आखिरी पहर यानी बहुत सुबह उठे वो तैयार हुए और सुबह 6 बजे से मुझे लेकर के निकले, और रास्ते में चूंकि कई जगह इस्तकबाल था, स्वागत था, तो लोगों से मिलते मिलाते हम लोग वक्त पर यहाँ पहुंच सके। मैं अपनी बात शुरू करूं उससे पहले अख्तर साहब ने शायद ये मुतालबा किया है कि यहाँ पर एक बिजली घर बनना चाहिए, और मुझे खुशी है कि आपने एक सही मौजू उठाया, और चूंकि सरकार यहां हमारी है, कांग्रेस पार्टी की सरकार है, तो मैं आपसे वादा करता हूं, और ये वाला वादा जो है वो नेताओं वाला वादा नहीं है कि मैं आज शाम यहां से पहुंचूंगा और मैं आज ही ऊर्जा मंत्री से बात करूंगा और जरूरत पड़ी तो जयपुर जाकर के मुख्यमंत्री जी से मिल करके यहां बिजली घर जल्दी से जल्दी, ये मेरा आपसे वादा है, बहुत जल्दी, मतलब सिर्फ जल्दी नहीं बहुत जल्दी यहां पर बनवाने की कोशिश करूंगा। और मुफ्ती वसीम कासमी साहब, मौलाना परवेज साहब, चेयरमैन इरशाद साहब, जुबैर अलीक साहब, इन सारे लोगों की भी मौजूदगी है यहां पर, साथ ही एक खास मौजूदगी जिन्हें आज मैं जबरन पकड़ लाया, मैं यूं कहूं कि मैंने जबरन पकड़ के ले आया, अशोक कुमार पांडे साहब यहां बैठे हुए हैं, ये बड़े नफीस राइटर हैं, लेखक हैं, कई किताबें लिखी हैं इन्होंने, इनकी एक किताब उसने गांधी को क्यों मारा, कश्मीर नामा, कई सारी किताबें हैं जो बहुत मकबूल हैं, पूरी दुनिया में बुलाए जाते हैं इनकी किताबों का, कई भाषाओं में ट्रांसलेशन हुआ है। कल मेरी इनसे बात हो रही थी तो मैंने कहा कि 15 अगस्त को क्या कर रहे हैं आप, तो इनके कुछ प्रोग्राम थे, तो मैंने कहा चलिए आपको मदरसे के प्रोग्राम में ले चलता हूँ, आपको अच्छा लगेगा।
और मुझे पूरा यकीन है कि वापस जब भी मेरी गाड़ी में बैठेंगे तो ये जरूर मुझे तस्दीक करेंगे कि इन्हें यहाँ आकर के बहुत अच्छा लगा। एक बार ताली बजा करके उनका भी आज हम 75वीं वर्षगांठ मना रहे हैं यौम आजादी। 75 साल मुकम्मल हो चुके हैं हिंदुस्तान की आजादी के। आज का दिन जश्न का दिन है। आज का दिन अपने बुजुर्गों की कुर्बानियों को याद करने का दिन है। आज का दिन अलग ऐलान पूरे हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया को यह बताने का दिन है कि हमने जंगे आजादी में क्या किरदार निभाया और किस तरह से कुर्बानियां देकर के अपने इस अजीम मुल्क को, अजीम हिंदुस्तान को, अजीम मुल्क भारत को अंग्रेजों की गुलामी से आजाद करवाया। और आजाद करवाने के बाद हमने 75 सालों का सफर तय कर लिया। मेरी आंखों के सामने तमाम बुजुर्ग बैठे हैं, तमाम नौजवान साथी हैं, तमाम बच्चे भी यहां पे मौजूद हैं जो आने वाले कल में हिंदुस्तान की नई तारीख लिखेंगे। हमने ड्रामा भी देखा, हमने बच्चों के तराने भी सुने। नील खेड़ला के बच्चों की परफॉर्मेंस देख करके बेहद खुशी है मुझे। और मैं जिन बच्चों ने पहले ड्रामा पेश किया था उनको अपनी तरफ से 5,000 रुपए का इनाम भी देता हूं, मैं अभी सुपुर्द कर दूंगा हजरत के। और जिन बच्चों ने तराना पेश किया था उसमें भी कई बच्चे शामिल थे, उनको भी 5,000 रुपए मेरी तरफ से, मैं अभी उन बच्चों को बतौर इनाम दे दूंगा। इरशाद चेयरमैन साहब ने भी 10,000 रुपए दिया। नए दीवानों को देखें तो खुशी होती है, नए दीवानों को देखें तो खुशी होती है। हम भी ऐसे ही थे जब आए थे वीराने में। मैं अपना पुराना दिन याद करता हूं। इस भीड़ में न जाने कितने इमरान प्रताप गढ़ी बैठे होंगे, इस भीड़ में हो सकता है कि अशोक कुमार पांडे बैठा हो जो आने वाले दिनों में अपने कलम से ऐसा कुछ लिखे, ऐसा कुछ कहे, ऐसा कुछ रचे जिसे पूरा हिंदुस्तान सराखों पर बिठाए, कबूल करे। तो मैं जब भी इस तरह के किसी इंस्टीट्यूशन में, किसी मदरसे में, किसी स्कूल में जाता हूं तो मेरा मन करता है कि मैं खुद तकरीरें कम करूं, ज्यादा से ज्यादा बच्चों का परफॉर्मेंस देखूं, उनका हुनर देखूं और उसे सराहूं। क्योंकि मुझे अपने पुराने दिन याद आ जाते हैं जब कहीं कोई जलसा हो रहा होता था, कहीं कोई प्रोग्राम हो रहा होता था स्कूल का, और हम कुछ सुनाते थे और 10 रुपए का जब इनाम मिलता था तो ऐसा लगता था कि ये बिल्कुल भारत रत्न जैसा है और इसकी अहमियत बहुत बड़ी है। वो जो 10 रुपए होते थे वो जो हौसला देते थे, आप यकीन करें वो हौसला जो है उसको मेरा दिल समझ सकता है, मेरा खुदा समझ सकता है, हर वो बच्चा समझ सकता है जो स्टेज पे आके परफॉर्मेंस देता है और उसे अगर कोई उसकी परफॉर्मेंस को सराहता है, उसकी तारीफ करता है तो उसके दिल में जो ख्यालात आते हैं मैं उसे बखूबी समझ सकता हूँ। तो मैं तमाम बच्चों के बेहतर मुस्तकबिल की दुआ भी करता हूँ। हम आए और हमने जब झंडा फहराया तो वहां पर हिंदुस्तान का नक्शा बना करके जो बैठे हुए बच्चे थे, मैं उन बच्चों की अजमत और उनकी हिम्मत को भी सलाम करता हूं कि तपती दोपहरी में हिंदुस्तान का नक्शा बन करके बैठे हैं वो, और शाम से लहराता हुआ तिरंगा इस बात की गवाही दे रहा है कि इस तिरंगे की हिफाजत में जो बच्चे बैठे हैं इनके पुरखों ने भी अपने जाने कुर्बान की हैं इस अजीम तिरंगे के लिए। और जरूरत पड़ेगी तो मदरसे के यही तलबा हिंदुस्तान के तिरंगे की इज्जत को बचाने के लिए जब भी जरूरत पड़ेगी अपनी जानों की कुर्बानी भी देंगे, एक भी कदम पीछे नहीं हटेंगे। मैं एक बात आपसे, आज मैं यहां क्यों आया, आज मुझे दिल्ली के कुछ बड़े प्रोग्रामों में रहना था, दावत थी, पार्लियामेंट में अलग तरह का प्रोग्राम होता है, लेकिन मैंने खुद से फोन किया और मैंने कहा मैं 15 अगस्त को मील खेड़ला मदरसे में आऊंगा, हजरत अगर कोई दिक्कत ना हो तो मैं आ जाऊं। मैंने ये पैगाम हजरत तक पहुंचाया तो हजरत ने खुशी खुशी कहा कि नहीं, आपका घर है, आप आए। और यकीन करें मुझे भी एक ऐसा लगाव है इस दयार से, इस मिट्टी से, मुझे कभी भी ये महसूस नहीं होता कि मेरा यहाँ का नहीं हूँ, यहाँ के लिए पराया हूँ, मैंने यहाँ तालीम नहीं हासिल की है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मैं इसमें पढ़ने वाला एक तलबा की तरह हूँ, एक बच्चे की तरह हूँ। और जिनके सर पर इन बुजुर्गों की दुआएं हैं उनका हाथ है, मैं कितना भी बड़ा बन जाऊं
सांसद बन गया हूँ और भी बड़ा बन जाऊं, तब भी ये जो बुजुर्ग है इनके लिए बच्चा ही रहूंगा, इनकी दुआएं मेरे सर पे हमेशा रहे, शायद यही मेरी कामयाबी की सबसे बड़ी जमानत हो। मैं सांसद बनने के बाद आज तक सिर्फ किसी पब्लिक प्रोग्राम में नहीं जा पाया, सिर्फ एक बार अपने घर गया क्योंकि वालिदैन से मिलना था। फिर पार्लियामेंट का सेशन शुरू हो गया तो पार्लियामेंट के सेशन में रहा, वहां आपके मुद्दों पर आवाज उठानी थी, महंगाई पर लड़ना था, दूध दही आटा चावल की महंगाई पर लड़ना था, पेट्रोल डीजल की महंगाई पर लड़ना था, गैस सिलेंडर की महंगाई पर लड़ना था। और हम वहां इसलिए लड़ रहे थे कि मुल्क तो 75 साल पहले आजाद हो गया था, लेकिन महंगाई से आजादी के लिए भी एक लड़ाई हमें हुकूमत के खिलाफ लड़नी पड़ रही है। तो उस महंगाई से आजादी के लिए हम पार्लियामेंट में लड़ रहे थे। तो दूसरा कहीं पब्लिक प्रोग्राम मुझे लगा कि मैं किसी सियासी जलसे में जाऊं, उससे ज्यादा अहम है कि मैं 15 अगस्त के जश्न में जाऊं और नील खेड़ला के बच्चों से मिलूं, उनसे दुआएं लूं, उनके साथ तस्वीरें लूं और पूरी दुनिया को बताऊं कि आप बनाते हैं जो सोच बनाए, आप जो दुनिया को तस्वीरें दिखाते हैं मदरसों की, वो तस्वीरें सच्ची नहीं है। अगर सच्ची तस्वीरें देखना है तो किसी नील खेड़ला मदरसे में जाइए, वहां के बच्चों के हाथों में तिरंगा लहराता हुआ देखिए और उसके दिल में उस तिरंगे के लिए जो मोहब्बत है, अगर उसके लिए कोई पैमाना है तो उसे नाप के महसूस करिए। शायद आपसे हजार गुना ज्यादा मोहब्बत तिरंगे के लिए, वतन के लिए किसी भी मदरसे के बच्चे के दिल में होती है। मैंने उसे महसूस किया है, मैं उसे जानता हूं, मैं उसे पहचानता हूं। मैं इसलिए भी आपके बीच में आया। अभी दो दिन से सरकार अमृतकाल मना रही है, अमृत महोत्सव मना रही है। मैं सलाम करूंगा हिंदुस्तान भर के तमाम मदरसों को। और मेरी पिछले 5-7 साल से मुहिम रही है कि हम वतन परस्त हैं, हम वतन से मोहब्बत करते हैं, लेकिन हमें पैकेजिंग नहीं आती, हमें प्रेजेंटेशन नहीं आता, हम जता नहीं पाते हैं, हम दिखा नहीं पाते हैं। लेकिन ये दौर ऐसा है कि बेटा भी अगर बाप से मोहब्बत करता है तो बाप चाहता है कि वो मोहब्बत दिखाए, उसे एहसास करवाए। तो मुल्क में तो जो नफरतें हैं वो तो आपको पामाल करने पे लगी हुई हैं। ऐसे में ये दौर ऐसा है कि आप दिखाइए अपनी चीजों को, प्रेजेंट करिए अपनी चीजों को, बेहतर तरीके से प्रेजेंट करेंगे, अच्छी पैकेजिंग करेंगे तो दुनिया के सामने वो जो तस्वीर जाएगी, वो जो विजुअल जाएंगे, वो इस बात का सबूत होंगे कि नहीं, आप मोहब्बत भी करते हैं और मोहब्बत जताना भी जानते हैं। हम जताना कम जानते हैं। हमारा सबसे बड़ा अलमिया ये है, मैं पिछले 5-7 साल से मुशायरों की जिंदगी में अलल ऐलान हर जगह चीख चीख करके कहता रहा हूं कि हुकूमतें तस्वीरें देखना चाहती हैं, जब आप मोहब्बत करते हो तो दिखाओ उसे। इस मुल्क में अगर वतन परस्ती चिल्ला के बताई जा सकती है तो चिल्ला के बताओ, जो तरीका हो सकता है उस तरीके से बताओ, लेकिन बताओ, क्योंकि सवाल तो खड़े हैं, नफरतें तैयार हैं, साजिशें भी हैं, उनसे लड़ेगा कौन? लड़ना तो खुद को ही पड़ेगा, हमको आपको ही लड़ना पड़ेगा। और मुझे खुशी है, अभी जब ड्रामा चल रहा था तो मैं मौलाना राशिद साहब से पूछ रहा था कि ये ड्रामा पहली बार हो रहा है या इस तरह का बच्चों में पहले से तैयारी होती रहती है, तो मुझे खुशी हुई कि हजरत ने बताया कि नहीं, बच्चों में शौक है और बच्चे इस तरह के ड्रामे अलग अलग तारीखों पे मदरसे में जब कल्चरल एक्टिविटीज होती हैं तो करते हैं। मैं अशोक पांडे जी से भी कह रहा था कि बच्चों ने कितना अच्छा टॉपिक उठाया है, मौलाना आजाद साहब की झुंझलाहट, मौलाना आजाद साहब का सर पकड़ लेना बंटवारे की बात पर। मैंने तो वो तकरीर पूरी सुनी है कि जब जामा मस्जिद की सीढ़ियों पर खड़े होकर के मौलाना आजाद साहब मुल्क के मुसलमानों को पुकार पुकार करके कह रहे थे कि कहां जा रहे हो, ये है तुम्हारा मुल्क, यहां रहो, यहां तुम्हारे पुरखों की कब्रें हैं। मेरे भाई, आज तारीख के सफात फाड़े जा रहे हैं, आज तारीख के पन्नों को फाड़ करके इतिहास बदलने की साजिशें हैं, शहरों का नाम बदल करके। हमारी हुकूमतें होती थी पहले कांग्रेस की, तो नया शहर बसाती थी और उस शहर का नाम किसी जंगे आजादी के अजीम सिपाही के नाम पे रखती थी, लेकिन जो मौजूदा हुकूमत है दिल्ली में, उनका सिर्फ एक
है कि शहरों के नाम बदलो और तारीख अपने आप बदल जाएगी। ऐसे दौर में मेरे भाई बहुत जरूरत है कि आपको बोलना पड़ेगा, क्योंकि तारीख के पन्नों में सच्चाई दफन है। अगर उसे दफन रहने दोगे, चीख करके बताओगे नहीं, तो नई नस्लें नहीं जान पाएंगी, नई नस्लें नहीं जान पाएंगी कि जो फैजाबाद फैजाबाद था, जिसकी जेल में अशफाक उल्ला खान को, अजीम जंग आजादी के सिपाही अशफाक उल्ला खान को जब फांसी दी गई, तो वो फैजाबाद की जेल, कितने भी नाम बदल दिए जाए उस शहर के, लेकिन वो तारीख तो यही है कि अशफाक उल्ला खान साहब को फैजाबाद में फांसी दी गई थी। भले ही तारीख के पन्नों से फैजाबाद का नाम मिटा दिया जाए, भले ही तारीख के पन्नों से इलाहाबाद मिटा दिया जाए, लेकिन जो उनसे जुड़ी हुई दास्तानें हैं, वो दास्तानें अगर हम दुनिया को बोल बोल करके बताते रहेंगे तो उन दास्तानों को मिटाना आसान नहीं होगा। हमारी जिम्मेदारियां बहुत बड़ी हैं, वक्त मुश्किल है, लेकिन मेरे भाई एक चीज आपको समझनी पड़ेगी कि मुश्किल वक्त ज्यादा दिन नहीं रहता है। हमारे बुजुर्गों ने तो इससे भी ज्यादा मुश्किल वक्त झेला है। हमारे बुजुर्गों ने जो कुर्बानियां दी हैं, उन्हीं कुर्बानियों का सदका है जो आज हमें खूबसूरत हिंदुस्तान देख रहे हैं। किसी बड़े बुजुर्ग ने कहा है कि मुश्किल वक्त मजबूत आदमी पैदा करता है, मुश्किल वक्त मजबूत आदमी पैदा करता है, मजबूत आदमी आसान वक्त पैदा करता है। तो हमें आसान वक्त पैदा करना है। हम मुश्किल दौर में जी रहे हैं, हमें आसान वक्त पैदा करना है, लेकिन मेरी नई नस्लों, आसान वक्त कमजोर आदमी पैदा करता है, यह भी समझना। आसान वक्त कमजोर आदमी पैदा करता है और कमजोर आदमी मुश्किल वक्त पैदा करता है। इसलिए पूरी मजबूती के साथ इस वक्त से लड़िए। आपके पास इतने किस्से हैं, आपके पास इतनी कहानियां हैं कि हुकूमतें तारीख के सफहात फाड़ डालें, फिर भी आपकी तारीखें मिटाई नहीं जा सकती। आपकी तारीखें न जाने कितनी इमारतों पर छपी हुई हैं। देवबंद से लेकर के दिल्ली के तमाम दरख्त इस बात के गवाह हैं, जिन पर आपकी लाशें लटकी रही हैं जंग आजादी में, उनके निशानात मिटाए नहीं जा सकते। कैंची से चरागों की लवें काटने वालों, कुदरत के करिश्मों से लड़ोगे तो मिटोगे। तुम फूल को चुटकी में मसल सकते हो, लेकिन खुशबू को बिखरने से नहीं रोक सकोगे। आपके पास तारीख है, उसे मनाइए, उसे बताइए, उसे दिखाइए। करोड़ों करोड़ का पैकेज खर्च करके, विजुअल बना करके, सरकार में बैठे हुए वजीर, हुकूमत अमृत महोत्सव के तमाम वीडियोस बना रही थी, लेकिन इसी मेवात से किसी एक हाईवे पर दौड़ते हुए चंद मदरसे के बच्चों का एक वीडियो आया और पूरा अमृत महोत्सव अपने नाम कर गया। उसे प्लान भी नहीं किया गया रहा होगा मेरा ख्याल। तो आपको यह समझना है कि अपनी चीजें सलीके से दिखानी है। मैं आज आपसे बहुत ज्यादा कोई तकरीर नहीं करूंगा, मौसम बहुत मेहरबान होता जा रहा है, बारिश हो सकती है, खुदा करे हो जाए। आप सब बहुत गर्मी में बैठे हुए हैं, बस आपसे दो तीन बातें कहनी है, और बातें क्या कहनी है, आपको यकीन दिलाना है, आपको एतमाद दिलाना है। आप मेरी जो पुरानी जिंदगी है, जो माजी है मेरा, उससे वाकिफ रहे हैं। मैं ये मानता हूं, और यहां अशोक भाई बैठे हैं तो मैं इस बात का एतराफ भी करता हूं, इसे तस्लीम भी करता हूं कि मैं इमरान प्रतापगढ़ी हूं, और मैं जो कुछ हूं, आज मैं जहां भी हूं, मैं अपनी एक नज्म की वजह से हूं, और वो नज्म है जो मैंने मदरसे पर लिखी थी। सिर्फ उस नज्म ने मुझे इमरान से इमरान प्रतापगढ़ी बनाया, और यहां बैठे हुए बच्चों ने मेरे लिए जो दुआएं की, मदरसों के तलबा ने जो मेरे लिए दुआएं की, उन दुआओं ने 2016 में उत्तर प्रदेश सरकार का सबसे बड़ा अवार्ड यश भारती दिलवाया। फिर जब मैंने सियासत में कदम रखा तो महज 3 साल के सियासी सफर में वहां पहुंचा दिया जहां पहुंचने के लिए लोग 30-30 साल ख्वाब देखा करते हैं। अल्लाह ने मुझे वहां 3 साल में पहुंचा दिया। यह सिर्फ आपकी दुआओं की वजह से हुआ, आपके दुआओं के भरोसे हुआ। तो मैं आपका एहसान मंद हूं, और मैं मदरसे में अब जाता हूं तो सिर्फ उस मोहब्बत का कर्ज उतारने के लिए जाता हूं,
मैं मानता हूं, मैं इस बात को जानता हूं कि मेरी कामयाबी के पीछे मेरी मेहनत बहुत ज्यादा, जो मेहनत मैं कर सकता था मैंने किया है, लेकिन सिर्फ मेहनत से कुछ नहीं होता। बहुत लोग सियासत में मेहनत कर रहे हैं, तमाम साथी यहां बैठे हैं तो मुझसे ज्यादा मेहनत कर रहे हैं सियासत में। किसी का शेर है कि हर वफा जिंदा जावेद नहीं होती है, दिल का हर जख्म कहीं दिल का कमल बनता है, जब शहंशाह भी हो, इश्क भी हो, दौलत भी, तब कहीं जाके कोई ताजमहल बनता है। तो मेरे साथ मेरी मेहनत जो थी वो थी, लेकिन जो बुजुर्गों की दुआएं, जो तमाम नौजवान साथियों की दुआएं हैं, इन दुआओं ने शायद मुझे कामयाब किया और यहां तक पहुंचाया। और अब मैं वहां पहुंच गया हूं तो जो मेरी जिम्मेदारी है, मैं उसके लिए आपको यकीन दिलाता हूं कि मेरी आने वाली जिंदगी का एक भी लम्हा ऐसा नहीं गुजरेगा जो आपकी बेहतरी और आपकी फिक्र की सोच के बगैर गुजरे, ये मैं आपसे वादा करता हूं। और नीलखेड़ला मदरसे के तमाम बच्चों को एक बार फिर से बहुत मुबारकबाद देता हूं, और मौलाना राशिद साहब का, मौलाना अमजद साहब का, मुफ्ती जाहिद साहब का, अपने तमाम बुजुर्गों का बेहद शुक्रिया भी अदा करता हूं कि आपने मुझे यहां बुला करके जो मोहब्बतें दी हैं उसके लिए। अच्छा, नज़्म भी सुनाना पड़ेगा? अच्छा, ऐसी बात है, मैं तो सोच रहा था कि बच जाऊंगा, लेकिन आपका हुक्म है तो मैं कुछ ना कुछ जरूर सुना देता हूं। मैं शुरू शुरू में आया तो आप लोग बिल्कुल कोई भी तराना सुना रहा था, ताली वाली भी बजा रहे थे, तो मुझे लगा हजरत ने आप लोगों को मना कर रखा है कि ताली मत बजाना, लेकिन थोड़ी देर बाद मैंने देखा कि जब अच्छा ड्रामा चल रहा था तो हजरत खुद ताली बजाने लगे, तो मुझे लगा कि नहीं, हजरत की तरफ से ऐसी कोई मनाही नहीं हुई है। फिर थोड़ी देर बाद आप भी उस रंग में रंग गए, तो मैं उस ड्रामे को देख रहा था, महसूस कर रहा था। मैं मदरसे की नज्म सुनाऊं, उससे पहले एक छोटी सी नज्म आपको और सुना देता हूं। मौजूदा सियासत हुकूमत, इस मदरसे में वतन के लिए मोहब्बत, और मेरी एक नज्म सुनिएगा कि जो ये माने बैठा है वो भारत भाग्य विधाता है, भारत भाग्य विधाता है, जिसको लगता है उसकी मुट्ठी में भारत माता है, मुट्ठी में भारत माता है, जिसको मेरा होना फूटी आंखों नहीं सुहाता है। अगला मिसरा जो है, अगर वो सच्चा लगे तो उसे पहुंचाइएगा पूरे हिंदुस्तान में, कि जिसको मेरा होना फूटी आंखों नहीं सुहाता है, उससे कहो भारत से मेरा माँ बेटे का नाता है, जिसको ये लगता है कि वो भारत भाग्य विधाता है, भारत भाग्य विधाता है, जिसको लगता है उसकी मुट्ठी में भारत माता है, मुट्ठी में भारत माता है, जिसको मेरा होना फूटी आंखों नहीं सुहाता है, उससे कहो भारत से मेरा माँ बेटे का नाता है, जो माने बैठा है वो भारत भाग्य विधाता है, भारत भाग्य विधाता है। पहला मन पड़ता है इस नज्म का कि जितनी मोहब्बत माँ के दिल में अपनी हर संतान से है, जितनी मोहब्बत हर मोमिन को पाकीज़ा कुरान से है, जितनी मोहब्बत माँ के दिल में अपनी हर संतान से है, जितनी मोहब्बत हर मोमिन को पाकीज़ा कुरान से है, अपनी घुटी चीखों से आखिर कितनी बार बताऊं मैं, उतनी मोहब्बत इस बेटे को अपने हिंदुस्तान से है। मेरा जिस्म तो मरकर इसकी मिट्टी में मिल जाता है, भारत
की मिट्टी से मेरा माँ बेटे का नाता है, जो ये माने बैठा है वो भारत भाग्य विधाता है, भारत भाग्य विधाता है। आप ये ड्रामा देख रहे थे और जंगे आजादी और बंटवारा दोनों आपने अपनी आंखों से देखा, अब मेरे लफ्जों में उसे देखने की कोशिश करिए कि माँ का चल छोड़ के हम 47 में भी नहीं गए, माँ का चल छोड़ के हम 47 में भी नहीं गए, जिन्ना की और सावरकर की साजिश में भी नहीं गए, माँ का चल छोड़ के हम 47 में भी नहीं गए, जिन्ना की और सावरकर की साजिश में भी नहीं गए, हमको तोहफे में मेरठ मलियाना और गुजरात मिला, सब कुछ झेला और लहू की बारिश में भी नहीं गए, कभी 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 ये दर्द सिमट कर आंसू में ढल जाता है, भारत की मिट्टी से मेरा माँ बेटे का नाता है, जो ये माने बैठा है वो भारत भाग्य विधाता है, भारत भाग्य विधाता है। और मेरी आंखों के सामने हजारों की तादाद में बैठे हुए मदरसे के तलबा, ये लहराता हुआ तिरंगा, और मेरे ये मिसरे अगर सच्चे लगे तो मुझे दुआ दीजिएगा कि जब तक तन में सांस रहेगी गीत यही मैं गाऊंगा, जान लुटाई है पहले भी अब भी जान लुटाऊंगा, जब तक तन में सांस रहेगी गीत यही मैं गाऊंगा, जान लुटाई है पहले भी अब भी जान लुटाऊंगा, भूल गई है तू शायद मैं भी हमीद का भाई हूँ, भूल गई है तू शायद मैं भी हमीद का भाई हूँ, भारत माँ तेरी खातिर मैं तोपों से लड़ जाऊंगा, बच्चा बच्चा देखे आज की तस्वीर हिंदुस्तान के लोग के बच्चा बच्चा चीख चीख कर बात यही दोहराता है, भारत की मिट्टी से मेरा माँ बेटे का नाता है, जो ये माने बैठा है वो भारत भाग्य विधाता है, भारत भाग्य विधाता है। कलमदार का काम है, शायर का काम है अपने कलम से माजी को भी दिखाना और आने वाले मुस्तकबिल की भी चेतावनी देना, उससे आगाह करना लोगों। अशोक भाई ये काम करते हैं, खुदा ने थोड़ा बहुत कलम से खेलने का, कलम से कुछ कहने का हुनर मुझे भी दिया। आज जब मैं दिल्ली से निकला तो मुझे लग रहा था कि आज लाल किला बहुत सजा होगा, मुझे लगा तिरंगा लहरा रहा होगा, फिर मुझे लोगों के भाषण भी याद आए, कुछ लोग हैं जो कहते हैं कि ताजमहल हो लाल किला हो ये सब तो गद्दारी की अलामत है, इन्हें नेस्त नाबूद कर देना चाहिए, क्या कर देना चाहिए। मैं एक नज्म सुनाता हूं जिसका उन्वान है लाल किला, आज के दिन मुझे लगता है उसे जरूर याद किया जाए। हिंदुस्तान का झंडा सबसे पहले अगर किसी ने लहराया लाल किले पर तो वो शहनवाज साहब हैं। हमारा डिपार्टमेंट जल्दी ही उन पर एक बड़ा प्रोग्राम भी दिल्ली में इंशाल्लाह करने जा रहा है, तो मेरा मन कर रहा है कि मैं आपको एक नज्म सुनाऊं जिसका उन्वान है लाल किला। लाल किला बोले तो यूं बोले, वो हर दिन सुबह शाम नफरत की तकरीरें सुनता है, साल में एक दिन सजाया जाता है, जश्न मनता है, वहां से बड़ी बड़ी तकरीरें की जाती हैं, तब मुझे लगता है कि अगर लाल किला बोल पाए तो शायद यूं बोले, उसकी दीवारें अगर बोले तो शायद यूं बोले। मैं नज़्म सुनाता हूं आप सारे लोग।
मैं लाल किला हूँ, मैं लाल किला हूँ, हिंदुस्तान में तुझे तोहफे में मिला हूँ, मैं लाल किला, लाल किला, लाल किला हूँ, मैं लाल किला, लाल किला, लाल किला हूँ, हिंदुस्तान में तुझे तोहफे में मिला हूँ, मैं लाल किला, लाल किला, लाल किला हूँ। पहला बंद पढ़ता हूँ इस तरह का, सुनेगा आपको अच्छा लगेगा। कि मेरे बनाने वाले से नफरत भी है उनको, और मेरी दीवारों से मोहब्बत भी है उनको। सुनिएगा, थोड़ा सा उस मूड में आके सुने। अब मैं थोड़ी देर आपके सामने सांसद बन के नहीं, शायर बन के खड़ा हूं, तो आप भी थोड़ी देर मेरे सामने उसी तरह से रहे जैसे आपको रहना चाहिए। कि मेरे बनाने वाले से नफरत भी है उनको, और मेरी दीवारों से मोहब्बत भी है उनको, भारत की सिपाही है मेरी लाल दीवारें, भारत की सिपाही है मेरी लाल दीवारें, सदियों की गवाही है मेरी लाल दीवारें, भारत की सिपाही है मेरी लाल दीवारें, सदियों की गवाही है मेरी लाल दीवारें, देखा गया एक ख्वाब हूँ मैं शाहजहां का, देखा गया एक ख्वाब हूँ मैं शाहजहां का, तामीर कामयाब हूँ मैं शाहजहां का, तारीख के पन्नों का मैं शिकवा हूँ, गिला हूँ, मैं लाल किला, लाल किला, लाल किला हूँ, हिंदुस्तान में तुझे तोहफे में मिला हूँ, मैं लाल किला, लाल किला, लाल किला हूँ, मैं लाल किला हूँ। अब बंद सुन लेगा इसका। नेहरू के ख्यालों का निगहबान रहा हूँ। 1947 में जब आजादी मिली तो एक तस्वीर आज भी पूरी दुनिया के सामने है, और ये जो मौजूदा हुकूमत है इसे नेहरू से तकलीफ है, दिल्ली में बैठी हुई हुकूमत, इसे गांधी जी से तकलीफ है, इसे नेहरू जी से तकलीफ है, इसे मौलाना आजाद से तकलीफ है। लेकिन मैं एक बात कहता हूं कि आप कितनी भी साजिशें कर लें, नेहरू का, गांधी का, मौलाना आजाद का कद इतना बड़ा है कि आप जब भी उनके साये में खड़े होंगे आप बहुत बौने नजर आएंगे, क्योंकि इनका कद बहुत बड़ा है। और इस बात की गवाही मैं नहीं, लाल किला दे रहा है। मैं पढ़ता हूं बन के, नेहरू के ख्यालों का निगहबान रहा हूं मैं, लाल बहादुर का भी अरमान रहा हूं। लाल किला, हर एक प्रधानमंत्री वहां से तकरीरें करता है, मैं उसे लफ्जों में पिरोने की कोशिश करता हूं। कि नेहरू के ख्यालों का निगहबान रहा हूं मैं, लाल बहादुर का भी अरमान रहा हूं, राजीव अटल सबके हूं अल्फाज समेटे। अगला मिसरा सच्चा है। राजीव अटल सबके हूँ अल्फाज समेटे, खामोश सा मन मोहनी अंदाज समेटे, राजीव अटल सबके हूँ अल्फाज समेटे, खामोश सा मन मोहनी अंदाज समेटे, मैं इंदिरा के जज्बे सा फौला रहूंगा। अगला मिसरा उन तमाम नफरत वाली ताकतों के नाम। कि मैं इंदिरा के जज्बे सफाला रहूंगा, आबाद था आबाद हूँ आबाद रहूंगा।
मैं इंदिरा के जज्बे सफौलाद रहूंगा, आबाद था आबाद हूँ आबाद रहूंगा। मैं इंदिरा के जज्बे सफौलाद रहूंगा, आबाद था आबाद हूँ आबाद रहूंगा। मैं हिंद के चाहत का सिला हूँ, मैं लाल किला लाल किला लाल किला हूँ। हिंदुस्तान में तुझे तोहफे में मिला हूँ, मैं लाल किला लाल किला लाल किला हूँ। और आखिरी बंद पढ़ता हूँ इस नज़्म का कि बेशर्म सियासत की मैं तहरीर नहीं हूँ। सुन ले हुकूमत तेरी जागीर नहीं हो, बेशर्म सियासत की मैं तहरीर नहीं हूँ। सुन ले हुकूमत तेरी जागीर नहीं हो, नफरत के समंदर में मैं खो ही नहीं सकता। नफरत के समंदर में मैं खो ही नहीं सकता, मैं एक किसी रंग का हो ही नहीं सकता। और अब तैयार रहना राजस्थान वालों हरियाणा वालों, कि मैं एक किसी रंग का हो ही नहीं सकता, नफरत के समंदर में मैं खो ही नहीं सकता। अंदाज मेरा अंदाज मेरा मस्त मलंगा ही रहेगा, गुम्बद पे सदा मेरे तिरंगा ही रहेगा। अंदाज मेरा मस्त मलंगा ही रहेगा, गुम्बद पे सदा मेरे तिरंगा ही रहेगा। वो फूल हूँ, वो फूल हूँ जो खार की छाती पे खिला हूँ, मैं लाल किला लाल किला लाल किला हूँ। हिंदुस्तान में तुझे तोहफे में मिला हूँ, मैं लाल किला लाल किला लाल किला हूँ। मैं लाल किला हूँ, मैं लाल किला हूँ। भाई एक नारा दो भी नहीं, ऐसी आवाज हो जो यहां से दिल्ली तक जाए। भाई इमरान पटापड़ी, भाई इमरान पटापड़ी, भाई इमरान पटापड़ी। 15 अगस्त की दोपहर है ये, हजारों की तादाद में ईमान वाले लोग, मदरसे के तलबा जिम्मेदारान यहां बैठे हैं। और मैं बताऊं दुआ एक नज़्म पढ़ रहा हूं, और दुआ में आपकी आमीन, आपकी तालियां, आपकी दुआएं शामिल होंगी, तो शायद मैं पूरे हिंदुस्तान को बताऊंगा कि आप जो तस्वीर बनाते हैं वैसा नहीं है तस्वीर। के मेरा मसूतरन मेरी जन्नत को सलामत रखना। तैयार रहिएगा, और अभी जो लाइन है उससे आपकी दुआओं का शोर, आपकी तालियों का शोर पूरे हिंदुस्तान में फैलाना चाहिए। के मेरा मसूतरन मेरी जन्नत को सलामत रखना, मेरा मसूतरन मेरी जन्नत को सलामत रखना, मेरा मसूतरन मेरी जन्नत को सलामत रखना, मेरे मौला मेरे भारत को सलामत रखना, मेरी जन्नत को सलामत रखना, मेरे मौला मेरे भारत को सलामत रखना। इसकी नीति पे हर एक रीत निछावर कर दूं,
अपनी धड़कन के सभी गीत निछावर कर दूं। गंगा जमुना तेरी लहरों की मुकद्दस धुन पर सारी दुनिया का मैं संगीत निछावर कर दूं। इस वतन से मेरी निस्बत को सलामत रखना, मेरे मौला मेरे भारत को सलामत रखना, मेरा मुस्कान मेरी जन्नत को सलामत रखना। सरकारी कार्यक्रम चल रहा है, घर घर तिरंगा, कोई कह रहा है हाथ हाथ तिरंगा। मुझसे किसी ने एक दिन सोशल मीडिया के बॉक्स में मैसेज भेजा, और ये मैसेज तब आता है जब हिंदुस्तान और पाकिस्तान का क्रिकेट मैच होता है, तो खास तौर से आता है कि तुम्हारा तो राम भी राम है, तुम सुनो दो बदन रस्सी का। मेरे पास लफ्ज नहीं होते हैं, मैं पहले तो एक तस्वीर भेजता हूं। वो तस्वीर है कि हिंदुस्तान का है कोई परिवार है, वो हज करने गया हुआ और उसने सामने काबा के आगे तिरंगा अपने हाथ में लिया हुआ है, और मैं वो तस्वीर भेजता हूँ और नीचे पलट के सिर्फ इतना रखता हूँ कि हमसे वतन परस्ती का सबूत मांगने वाले मेरे भाई देख, मैंने तो वहां भी तिरंगा, हमने तो वहां भी तिरंगा फहराया है जहां तू कदम भी नहीं रख सकता है। मुल्क से रूह का रिश्ता बड़ा जज्बाती है, सोचता हूं तो मेरी आंख छलक जाती है, मुल्क से रूह का रिश्ता बड़ा जज्बाती है। मोहब्बत को सलामत रखना, मेरे मौला मेरे भारत को सलामत रखना, मेरा मस्कन मेरी जन्नत को सलामत रखना। कहते हैं कि नाम तुम चीख चीख करके रखने क्यों गाते हो, इन नज़्मों को क्यों पढ़ते हो? मुस्कुराती हुई तहजीब को गुमसुम किया है, मुझे अच्छा लगा जब मौला साहब ने मुझे मान बनाने के लिए जैन साहब को बुलाया, राम ये है हमारा हिंदुस्तान, और मुहब्बत गलती है इन तस्वीरों से, इसलिए चाहती है कि मोहब्बत बरकरार ना रहे, नफरतें गाली हो जाए, लेकिन मेरे भाई हम सबकी जिम्मेदारी है कि हमें बोलना पड़ेगा। मुस्कुराती हुई तहजीब को गुमसुम किया है, तुमने भारत की फजाओं को जहन्नुम किया है, मेरे भारत से मेरा रिश्ता कुछ इस तरह का है, हमने इस मुल्क की मिट्टी से तरन्नुम किया है। ऐसी रूहानी इबादत को सलामत रखना, मेरे मौला मेरे भारत
को सलामत रखना मेरा मुस्कान। और अभी बंद करता हूँ और मैं शुरू से कह रहा हूँ कि तस्वीरों को हिंदुस्तान को दिखाया जाने की जरूरत है। हम दिखाएंगे और हमारा ऐलान कहेंगे कि तूने मोहब्बत को सलामत रखना मेरे मौला मेरे भारत को सलामत रखना। आखिर में गाते गाते बस इतना कह रहा कि जो नफरत वाली ताकतें हैं वो हमेशा थी हैं रहेंगी, लेकिन ये भी एक सच है कि नफरत कभी भी मोहब्बत से जीत नहीं सकती। एक दिन आखिरकार नफरत को हारना ही पड़ता है। हमें कोशिशें जारी रखनी है। बस हमारी कमी थी कि हमने सोच लिया कि हमारे बुजुर्गों ने मुल्क आजाद करा लिया और हमारी जिम्मेदारियां पूरी हो गई। नहीं, आपकी जिम्मेदारियां पूरी नहीं हुई है, आपकी जिम्मेदारियां मुसलसल जारी है। आपकी कोशिशें कमजोर नहीं पड़नी चाहिए। आपको हर 15 अगस्त 26 जनवरी ही नहीं बल्कि हर खूबसूरत मौके पर अपने हाथों में तिरंगा लेकर के पूरे हिंदुस्तान को बताना चाहिए। तो सोशल मीडिया एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, मीडिया आपको नहीं दिखाएगा, मीडिया बायस रहेगा। मैंने सुना है यहाँ कई सारे अच्छे पत्रकार हैं जो मील खेड़ा मदरसे की तमाम खबरें प्रायोरिटी में छापते हैं, उनको सलाम कर रहा हूँ। मैं दिल्ली में बैठे लोगों की बात कर रहा हूँ, वो बायस होंगे, लेकिन फेसबुक ट्विटर इंस्टाग्राम यूट्यूब इतना शानदार जरिया है अपनी बातों को दिखाने का। अपने हाथों में तिरंगा पकड़ लो, भारी का सोशल मीडिया ऐसी तस्वीरों से कि देखने वालों की आंखें हैरत में पड़ जाएंगी। इतनी मोहब्बत, तब आप उसे कहिए भैया आप करते तो पहले भी थे, दिखा पहली बार रहे हैं, दिखा दूसरी बार रहे हैं, दिखा तीसरी बार रहे हैं। और फिर भी अगर कोई बोले, फिर भी अगर कोई कहे कि नहीं जाओ चले जाओ या नहीं है तुम्हारी जगह, तो उनसे अलग नाम कहो कि नफरतों का लिए तिरपाल चले जाओ तुम, बात की छोड़ो इसी साल चले जाओ तुम। याद है ना, अब थोड़े शायर में थोड़े मजे वाले मूड में है कि नफरतों का लिए तिरपाल चले जाओ तुम, बात की छोड़ो इसी साल चले जाओ तुम। विरासत को सलामत रखना मेरे मौला मेरे भारत को सलामत रखना, मेरा मस्कन मेरी जन्नत को सलामत रखना, मेरे मौला मेरे भारत को सलामत रखना। यहां से गुजारिश कर रहा हूं कि एक बार राशिद साहब और बाकी जो पूरी इंतजामिया कमेटी है, बाहर से आए लोग भी और यहाँ के तलबा भी, एक बार उनके एहतराम में इस बात के लिए ताली बजाए कि उन्होंने खूबसूरत तरीके से बहुत ही शानदार ये जो प्रोग्राम
बस रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ।